तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए शुरू करते हैं ये अपने नए एपिसोड को। इससे पहले कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो है आपको पीछे से बैकग्राउंड की म्यूजिक आ रही होगी, बर्तन बज रहे होंगे और कुत्ते भौंक रहे होंगे और भी कुछ भी आ सकता है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए इस एनिमेशन को इन्जॉय करें। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने एनिमेशन को। टीना अपने साथ जो है दो लड़कियों को लेकर आती है। फिर हम देखते हैं कि जो हिराकू है अपने मेड से इसको इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि सीना ये जो है हमारी मैनेजर है, यहाँ पे जितने भी घर हैं। तभी हम देखते हैं कि ये जो मेड है उनको बोलती है कि नाइस टू मीट यू। तब हम देखते हैं कि जो सीना होती है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मली बिहेव करने लग जाती है। इसे देख कर हिराकू बोलता है कि तुम्हें इतना फॉर्मली बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये सारी लड़कियां जो हैं बेड पे उछल कूद मचाने लग जाती हैं, ये खाना खाने लग जाती हैं और फिर जो है ये नहाने चली जाती हैं। इस सब को देखकर जो मेड होती है वो सोचती है कि इन्हें यहाँ पे रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये जो है डॉग और मकड़े के पास चली जाती हैं, वो उन्हें देख कर बेहोश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जो है नीचे गिर जाता है, तो सीना अपना मैजिक यूज़ कर लेती है उसको उठाने के लिए। राकू जो है इस मैजिक को देखकर कहता है कि तुम्हें भी मैजिक यूज़ करना आता है क्या। फिर जो है वो टिया को कहता है कि देख लो मैं ही एक ऐसा नहीं हूँ जो यहाँ मैजिक यूज़ करता हूँ। फिर जो टिया कहती है कि नहीं, यहाँ पे तो जो एंजल हैं वो भी मैजिक यूज़ करती हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए या फिर वीट को रखने के लिए। और हमारे पास जो भी बंदे हैं वो सभी अलग अलग तरह से मैजिक का यूज़ करते हैं काम में, यहाँ तक कि जो हमारे मधुमक्खी और डॉग हैं वो भी जो है मैजिक का यूज़ करते हैं। इसे देख कर ये जो सीना होती है वो बोलती है कि डोंट वरी, मैं ही एक अकलौती मैजिक यहाँ यूज नहीं करती। तो जो अपना हिराकू होता है वो कहता है कि ठीक है, तो हम दोनों साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। सीना की आवाज़ सुनकर जो है बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, तो हिराकू बोलता है थोड़ा धीरे बोलो। फिर वो कहता है कि यहाँ पे जो है मैजिक सीखना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। फिर वो जो है अपने एप्पल को काटने लग जाता है, फिर कहता है जो मेरा काम है वही करना चाहिए। फिर देखते हैं कि वहाँ पे कोई अर्थक्वेक जैसा उसको फील होता है, पास के जंगल में से धूल उड़ता हुआ दिखाई देता है। तभी जो है उसकी जो गार्ड होती है वो आ जाती है और बोलती है कि जो है पास में बियर और जो स्नेक हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। इसे देखकर कहता है कि फिर हम दोनों क्या करें। तभी ये जो कहता है कि ठीक है, वो तो एनिमल्स है ना, तो क्या हम उनको खाने के लिए यूज कर सकते हैं क्या। फिर जो है हम देखते हैं कि वो जो लड़की है उसको उड़ा कर ले जाती है उसके पास। यहाँ पे हमें नज़र आता है कि दो जो है एक बियर और एक स्नेक लड़ रहे हैं। इन्हें देखकर ये कहता है कि ये तो बहुत जल्दी लड़ रहे हैं, नीचे उतारो जल्दी से मुझे, और अपना एक अटैक करता है और दोनों को ही मार देता है। फिर कहता है अपने डॉग से कि ये बहुत बड़े हैं, इनको है ना उठा के ले चलो अपने घर पे। फिर जो है लिजार्ड जो है उसको उठा कर ले जा रहा होता है घर पे, लाकर फिर इनको देखने ले जाता है। फिर सोचता है कि क्या बनाया जाए इनसे, उसकी मेड कहती है चलो फिर बना लो। फिर ये जो है बनाना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारे मसालों का यूज़ करता है और फिर जो ताकि ये जो है लजीज बन जाता है, इसके अंदर वाइन और भी ऐड कर देता है। फिर ये खाना स्टार्ट कर देता है, कहता है बहुत अच्छा। फिर है जो स्नेक का जो मीट होता है उसको देख के कहता है कि इसको मैंने बहुत अच्छा फ्राइड किया। तो लड़कियाँ इसको खा के कहती हैं तो चिकन की तरह लग रहा है। फिर वो कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो मिस है। फिर देखते हैं कि ये जो है लू की छोटी बहन के पास जाता है, फिर उससे बोलता है कि तुम है ना मुझे मेरे लिए एक मेडिसिन दे दो, क्योंकि मैंने जो है स्नेक और उसका मीट खाया है बियर का, तो मेरे पेट में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया। उसे सोचकर जो है उसकी छोटी बहन कहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और जो वो है डाटा एंटर करने लग जाती है। वो बोलता है कि इससे जो है इलनेस हो जाती है। फिर जो है वो जाकर एक दवाई निकालती है और वो दवाई निकाल कर उसको देती है, तो वो कहता है कि जो है ये तुमने एक्सपेरिमेंट से बनाया है तो ये मुझे नहीं चाहिए। तो वो दूसरी दवाई देती है उसको, कहती है कि ये जो है तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो वो है उसको ले लेता है, कहता है ये लगता है कि सेफ है, खाना खाने के बाद इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा लेकर फिर उसको बोलता है थैंक यू। फिर हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ये एग उठा लेता है। एग उठाने के बाद सोचता है कि इससे कुछ मैं जो हो अच्छा बनाऊंगा आज। फिर हम देखते हैं कि ये किचन में आकर जो एग होता है उसको मिक्स करने लग जाता है। ये कहता है थोड़ी बहुत इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, थोड़ा एप्पल का जूस और थोड़ा सा वाइन डाल देंगे विनेगर। फिर देखते हैं कि ये जो मिक्स करना स्टार्ट कर देता है
और कहता है कि ये सही रहेगा उस स्नेक के मीट के साथ खाने फिर में। जो है ये उसकी छोटी बहन ज़्यादा खाने लग जाती है तो उसको बोलता है कि अगर तुम इसको ज़्यादा खाओगी तो तुम्हारे हेल्थ के लिए है ये अच्छा नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो है एक बड़े से बर्तन में जो है उबालने लग जाता है। उसको उबालने के बाद जो है वो मिक्स करने स्टार्ट कर देते फिर हम हैं। देखते हैं कि उसको है वो कपड़े से ढक देता है और फिर जो है उसको गोल गोल लोहिए की तरह बनाने लग जाता है। फिर कहता है कि इसको हम पत्थर से है बहुत दिन तक प्रेस करके रखेंगे, जितना टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा है ये डिलीशियस बनता रहेगा। फिर देखते हैं कि वहाँ से लू ऊपर से आती है और कहती है कि यहाँ पे जो है विजिटर आए हुए हैं। ये विजिटर जो होता है डे वर्ड से विलेज से एक विजिटर आया होता है जिसका नाम होता है डोनोवान। डोनोवान जो कहता है कि मुझे जो है यहाँ पे पता चला है कि अच्छा क्वालिटी का अल्कोहल मिलता है, तो क्या आप मुझसे शेयर करेंगे? तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब है वाइन। तभी जो है पीछे से वो जो टिया है वो बोलती है कि हम तो फ्री में वाइन देंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। लू भी यही कहती है। तो वो कहता है कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, बट हमारे पास जो है एक टेक्निक है जिससे कि हम और भी अच्छा अल्कोहल बना सकते हैं, जो हमने सालों की रिसर्च करके सीखा तो है। है उसके बदले क्या आप हमें जो है वाइन देंगे? हम ये यहाँ बना पाते हैं क्योंकि आप यहाँ पे विलेज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप्स लगे हुए हैं और साथ में जो है वीट भी लगा हुआ है, तो इसका यूज़ करते हैं हम अल्कोहल बनाने के लिए। और ये और इसके दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है तो हम ट्राई करते हैं। ये देखकर जो सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि ठीक है। फिर जो है इसके बंदे और ये जो है मिलके अल्कोहल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो देख कर जो सिराकू सोचता है कि ये जो है मेरे 10th क्लास के साइंस प्रोजेक्ट की तरह लग रहा है जो मैंने बचपन में सीखा था। तो ये विस्की रेडी हो जाती है और उसको चखने के लिए हिराकू को देते हैं। हिराकू चखता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा ही ये तो स्ट्रॉन्ग है। इसे सुनकर ये कहते हैं कि लगता है जो अपने मेयर हैं वह ज़्यादा लाइट वेट पीते हैं। तो ये कहता है कि ठीक है तो हम आज से इसी विलेज में रहेंगे और ये बनाएंगे आपके लिए। इसे देखकर कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट नाइट जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है इनके आने की खुशी में सीना और डेवर्स के आने की खुशी में पार्टी रखता है। बोलता है कि ये पार्टी जो है इनके आने की खुशी में है। यहाँ सीना पी के जो है बहुत ज़्यादा टल्ली हो जाती है। इसे देखकर कहते हैं कि ये जो लू और टिया कहती हैं बहुत टेस्टी लग रहा है लगता है। यहाँ पे ड्रैगन भी आया होता है जो पी के चिल्लाने लग जाता है। उसे देखकर जो है टिया और जो लू है वो कहती हैं कि ये लगता है आज बहुत ज़्यादा पिए। यहीं पे एपिसोड ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।